अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर दाल विद ड्रमस्टिक। इसके लिए यहाँ पर मैंने दो बाटी लिया है मसूर दाल और उसमें हल्दी, मिर्ची और नमक थोड़ी सी ऐड करके इसे हम बॉईल करके ले लेंगे। दाल को मैंने एक घंटा पहले ही भिगा दिया था, इसीलिए इसे बॉईल होने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें खड़ी खड़ी दाल उबाल के लेना है। दाल ज़्यादा हमारी गली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करके ले लेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। सबसे पहले मैंने पैन रखा है और उसमें दो टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सी जीरा और एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से हल्के से लाल होने दें। प्याज हल्की से लाल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे छोटा कटा हुआ टमाटर। अब हम ऐड करेंगे एक छोटा टेबल स्पून अदरक, एक छोटा टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। अब मसालों को अच्छे से मिला लें। मसाला थोड़ा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्रम स्टिक और थोड़ी सी क्वांटिटी में नमक और हल्का सी पानी ऐड करके लिड लगाकर अब हम इसे पकने देंगे ताकि ड्रम स्टिक अच्छे से गल जाए। और साथ में जो कच्चापन थोड़ा सी मसाले में बाकी है वो भी पूरा हो जाए। मसाला भी अच्छे से भून चुका है, पल्ली भी हमारी गल चुकी है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे बॉईल की हुई दाल। इस स्टेज पर आप नमक चख लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सी पानी। अब दाल में थोड़ा सी उबाल आने दीजिए, 5 से 7 मिनट इसे पकने दीजिए। दाल को अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम इसे देंगे मज़ेदार से एक तड़का। अब तड़के के लिए रख दिया मैंने एक पैन। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून प्योर घी। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हो। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ऐड करेंगे 3 अदद कुचे हुए लहसुन। उसके बाद मैंने ऐड किया है 2 सूखी मिर्च जिसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, कड़ी पत्ता, अब उसमें डालूंगी थोड़ी सी राई। तो इस तरीके से हमारी मसूर दाल विद ड्रम स्टिक इज रेडी टू सर्व। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व कर सकते हो।
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट ज़रा ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसे गार्निश करेंगे।